अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फकाशी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन काम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सीज़न भी तकरीबन एंड हो चुका है, क्योंकि इस मौसम में गर्मी और बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का मरने का भी खतरा होता है, इसकी वजह से हम सब बॉक्सेस वगैरह उतार देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे कम बॉक्सेस उतार दिए हैं, रिंग नेक के भी, कॉकटेल का जिसमें बच्चे थे, मैंने वीडियो अपलोड किया है कॉकटेल, मैंने शॉर्ट वीडियो पे मैं दिखाया गया कि इसका बच्चे यहाँ निकले हुए हैं, इसकी वजह से मैंने अभी तक इसका बॉक्स नहीं रहा, क्योंकि पिछले दिनों में कि 3-4 दिन पहले अब तो बारिश वगैरह हुई है, इस वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा है। आज भी तकरीबन 40 है बाइक का टेम्परेचर, कमरे का 45 है, और 45 कह रहा हूँ 35 है, सॉरी मार कर, क्योंकि मैंने देखा नहीं था उसके 35 है, जिसकी वजह से कमरे का इतनी वैसे गर्मी तो नहीं लग रही, पर फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए अपने बस के लिए, बस के मामले में एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है, वो हमें बता नहीं सकता कि मुझे गर्मी लग रही है या नहीं लग रही, वो हमें पता चलना चलेगा, हम देखेंगे उसको, थोड़ा सा बैठेंगे आधा घंटा उनके पास गुजारेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि अच्छी बीड करवाने के लिए बस को टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आप बस को अपना टाइम नहीं देते तो आपके पास बस वेट भी नहीं करेंगे। देखेंगे लव बर्ड, जब भी कमरे में आता हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, ये बहुत बोलते हैं, क्यों बहुत शोर करते हैं ये। देख मैम, ये मैंने अपने सब बर्ड को मैंने अपने कॉलोनी वगैरह में छोड़ दिया है, इनके फ्लाइंग केज में, पहले डे बाई डे में थे, अब ये 4 फीट का ये केज है, 2 फीट इसकी डेप्थ है, हाइट भी इसकी तकरीबन 2 या 2.5 है, इतनी हाइट है इसकी, मैं मतलब फ्लाइंग ऐसी करते हैं, कुछ पट्टे बीच में हैं ब्रीडर पे मैं इसमें छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अपने कमरे की वगैरह की सड़क सफाई की है ना, इसलिए मैं क्या सोचा था कि जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करके उनको वगैरह से धोकर इसको अंदर करूँगा, क्योंकि तो आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा है, ना ही बाहर से कोई बर्फ लाओ और ना ही दो दे तो सकते हैं हम, अगर वो मुतमिन हो घर के बर्फ से, क्योंकि घर में भी लोगों के पास कई लोगों के पास वायरस आया हुआ है, इसकी वजह से उनका भी बहुत नुकसान हुआ है, और आजकल लव बर्ड की आँख का मसला भी ज़्यादा आ रहा है गर्मी की वजह से, लोगों ने कूलर भी अपने घर में बहुत कमरों में बर्फ के लगाए हुए, पर फिर भी इतना हीट कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए मैं आपको बताऊँगा बर्फ के जो डिजीज वगैरह आ रहे हैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बताऊँगा, बर्फ को गर्मियों में इस तरह की चेंज करनी है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। अब बस ये दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि देखे फ्रेंड, मैंने सब वगैरह बॉक्स वगैरह उतार दिए हैं, देखे फ्रेंड ये 2 रिंग नेक लगे हुए हैं, इनमें बच्चे थे इसलिए ये लगे 2, ये और ये, ये सिर्फ ये रह गया, बाकी मैंने सब उतार दिए हैं मतलब से, और सिंपली आपको पता ही है कि गर्मी का परिंदा है, गर्मी में जाकर ब्रीड करता है, अच्छा ऐसे ये बच्चे निकाले हुए हैं, चलो आपके साथ इसकी भी शेयर करते हैं। देखे फ्रेंड, ये मेरा पिंकी का केज है, ग्रूमिंग का मेरा 2 केज माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड की है इन्होंने, बाकी ये रहा और एक निकी और कुत्ते का केज है, उसके एक्स की वजह से मैंने नहीं किया, और उसमें एक क्रशी का पेयर, क्रशी के पेयर के भी बच्चे थे, जिस वजह से उसका भी मैंने नहीं अभी तक उतारा, इंशाल्लाह कुत्ती यानी कि जब बच्चे वगैरह निकलते हैं तो इंशाल्लाह मैं जल्द उसको अलग करता हूँ, यानी कि वैसे ही कम पेयर इसमें केज में छोड़ दूंगा और कुछ वगैरह उतार दूंगा, क्योंकि जब कुछ में बच्चे होते हैं तो हवस भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स का और उनके बच्चों का मरने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और आजकल जो है हमारा पानी भी पीने का काम नहीं है, हमारा बहुत गंदा है, जिसकी वजह से बर्ड्स की किडनी वगैरह भी ख़राब हो जाती हैं, इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा कि पानी की पीढ़ी से कितनी होनी चाहिए और इंसान की भी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पहले इंसान खुद अपना देखता है, फिर बर्थ के बारे में सोचता है या नहीं सोचता, वो उसका फेल होता है, चल मैंने अपना मीटर लगवा दिया, चल वो बहुत रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके तक और पानी चेक करके दिखाएंगे तो कौन सा पीने वाला है कौन सा नहीं। मैंने नेट पे जो चेक किया हुआ है 150 की पीढ़ी सी है ना, वो पीने के लायक है, लेकिन बेहतरीन है जो हमारे घरों की है वो 2700 2800 2900 रुपये जाई हुई है, आप कुछ हावड़ा लगा ले, पीने वाला 150 है,
है कि उसमें जो सॉलिड वाटर है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बर्ड्स को किडनी का मसला और इंसान को भी किडनी का मसला वगैरह हो जाता है, क्योंकि छोटी सी होती है किडनी, कितना वो पानी साफ करेगी। हम उससे बोतल पीते हैं, चाय पीते हैं, बड़ी कौन कौन सी टॉपिक पीते हैं, फिर भी हमारा जो किडनी है पानी को साफ कर लेती है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगा, और जो शॉर्ट फूड की भी गर्मियों में कौन सा देना है इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द बनाऊँगा। अब डेटिंग बनाते हैं थोड़ी सी वीडियो की, क्योंकि बहुत हफ्ता हफ्ता दो हफ्ते गुजर जाते हैं वीडियो में अपलोड नहीं करता, इसकी भी मदद चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर वीडियो डेटिंग बनाएंगे, सबसे पहले मैं बनाऊँगा, फिर इसके बाद जो आगे आएगी वो गर्मियों में हिफाजत क्या करनी है और गर्मियों में शॉर्ट फूड को क्या देना है, और पानी का जो मैंने कहा आपको जो पीने के लायक कौन सा पानी होता है, यानी कि उसकी पेटी कितनी होनी चाहिए, उसकी एक वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह जो भी आगे आगे मसल वगैरह आते हैं, आँखों का मसला आता है लबड़ में, उनकी आँख में अंदर एक दाना सा बन जाता है, वो भी मसला आपके साथ शेयर करेंगे, वो किस वजह से आता है, उसको कैसे हल करना है, तो कैसे ठीक करना है। चलो वो जल्द हो गया, अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी ये मालूम आगे बच्चों के पास पहुँचे, जो न्यू फ्रंटियर आ रहे हैं उनसे भी ज़्यादा मालूम पहुँचे, कि उनको पानी वगैरह या गर्मी में किस तरह केयर करनी है, सर्दी में किस तरह केयर करनी है, कुछ पता चल सके। फिर फ्रेंड्स इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।